महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी वालों खेती विरासत मिशन ते फैशन फॉर बायोडायवर्सिटी जर्मनी की कंपनी नाल किते एमएयू साइन डॉक्यूमेंट किते एक्सचेंज। अज बठिंडा दी डबली रोड से महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बूटा सिंह सिद्धू ने बोलदिया कहा कि जो एमओयू उन्हां वल्लों साइन किए गए हैं उसका बहुत वड्डा मकसद है। उन्होंने कहा कि मारवा रीजन कॉटन बेल्ट लई पहला जाना जाता सी पर झाड़ की घाट हो जाने कारण बीटी कॉटन आ गया ते हुण साडे वल्लों इन्हां दो कंपनियां दे नाल समझौता किया गया है ते असीं कैमिकल रहित कॉटन नूं प्रफुल्लित करन जा रहे हां। उन्हां कहा कि असी किसानां दे नाल मीटिंगां करके छोटो छोटो डैमो दे तौर ते उन्हां दे खेतां दे विच इक देसी कपाह भी उगावांगे ते जिस दे नाल किसानां नूं इह बीजण दी सलाह भी देवांगे। उन्हां कहा कि इस दे नाल किसानां दी आमदन दे विच काफ़ी वाधा होगा। तो मैं वाइस चांसलर महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बूटा सिंह सिद्धू तो मैं अज के इस प्रोग्राम वास्ते जिहड़े साढ़े कोले दो बाहरलिया कंपनी तो शिरकत कर रहे हैं फैशन फॉर बायोडायवर्सिटी तो आए हैं खेती विरासत मिशन और जिहड़ा मेरा अपना कैंपस है कैंपस डायरैक्टर बाकी जो मेरे कलीग्स आए हैं सारयां नूं पहलां बधाई दिंदा कि जो साढ़े अज एमओयू साइन होए है इहदा एक बहुत बड़ा मकसद है क्योंकि अगर आप गल करते हैं जिहड़ा मालवा रीजन सी वो स्पैशली पहला जाने जाता सी कॉटन बेल्ट वजो तो पिछे जो चेंजेस होईयां तो उहदा जिहड़ा कॉटन का एक तो झाड़ बहुत ज़्यादा घट गया सी जिहदे करके बीटी कॉटन आया तो हुण जे असी उहनूं प्रफुल्लित कर सकीए जिहड़ी साडी पुरानी जिहड़ी कपाह सी जां उस तरह की कॉटन की खेती सी तो एक बहुत वधिया स्टैप है। दूसरी गल सी कि जिहड़ा साडे जदों कॉटन बेल्ट सी उहदे ते जिहड़ियां पेस्टिसाइड्स वगैरह इन्नियां ज़्यादा यूज हुंदियां सी जिहदे करके जिहड़ी इह बेल्ट है वह एक असी कहीए कि जिवें कैंसर प्रोन हो गई सी तो बहुत ज़्यादा किसान जिहड़े वो डाइवर्सीफाई कर गए तो इस खेत्र दे विच जिथे कि पानी की तादाद उन्नी नहीं सी तो असी कॉटन की जगह पर जिहड़ा झोना उगाना शुरू किया जिहदे नाल साडा फरदर पानी का लैवल बहुत नीचे चला गया। तो दूसरी जिहड़ी एक मेन इहदा मकसद है कि अगर असी कॉटन नूं दुबारा रिवाइव करते हैं और नैचुरल वे दे नाल जां ऑर्गेनिक फार्मिंग दे नाल करते हैं तो एक बहुत बड़ा उपराला होगा। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी क्योंकि साढ़े कोल असी बीएससी एग्रीकल्चर भी शुरू की है साढ़े कोल फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी है साढ़े कोल टैक्सटाइल डिपार्टमेंट भी है तो यूनिवर्सिटी का एक ये उपराला होगा कि अगर असी ऑर्गेनिक फार्मिंग दे नाल कॉटन नूं दुबारा रिवाइव कर सकते हैं और उहदे नाल अगर पिंडां दे विच छोटे छोटे उस तरह के यूनिट जिहड़े असी लोगों नूं उदां दी ट्रेनिंग दे सकीए तो अपनी जिहड़ी कॉटन यूज़ करके खुद अगर वह कपड़ा बनाउण दे क्योंकि पिंडां दे विच देखिए मान लो जे ज़्यादा नहीं तो जो 25-30 साल पिछे चले जाइए तो बहुत ज़्यादा जिहड़ा कपड़ा सी वह पिंडां दे विच बनता सी तो असी ये कोशिश करांगे कि वो चीज़ां दुबारे रिवाइव हो जाण जिहदे नाल एक पिंडां दे विच उस तरह का रुजगार भी पैदा होवे और नाल नाल जिहड़ा यूनिवर्सिटी का उपराला है ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्ली कॉटन दे वास्ते नहीं बाकी सारियां वास्ते भी असी जिन्नी कोई ट्रेनिंग की लोड़ होगी उस तरह के छोटे कोर्स भी डिजाइन करांगे टेक्नोलॉजी नाल रिलेटड हो जाए बेशक एग्रीकल्चर नाल रिलेटड हो जाए तो जा ऑर्गेनिक फार्मिंग दे नाल रिलेटड हो जाए वो थोड़ी छोटी छोटी उन्होंने ट्रेनिंग भी देिए तो उन्होंने अवेयर करिए कि उहदा बेनीफिट की हैगा और उहदे नाल नाल जिहड़ी ट्रेनिंग होगी ता कि वह वाकई जिहड़ी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है वह कर सकन और एक यूनिवर्सिटी का उपराला रहेगा कि अगर असी ऑर्गेनिक फार्मिंग वल जाने तो उस तरह की अगर कोई मार्केट असी डिवेलप कर सकी बेशक वो मैनू अपनी यूनिवर्सिटी के विचों कोई जगह वो वास्ते मार्क करनी पवे जा अलग अलग जिदा खेती विरासत मिशन के ना मिल के एक भी साडा उपराला रहेगा कि उन्होंने असी थोड़ा मार्केट में भी प्रफुल्लित करिए दसते हुए कि वो एडवांटेज की है नहीं तो की है कि हुण जिहड़ी असी सब्जी खरीदने जाने वो ये देख के खरीदते हैं कि वो कितनी ज़्यादा चमक आ रही है तो कितनी ये ना जानते हुए कि उसे कितनी चीज़ा उस तरह दी यूज़ की हैं तो वह एक जिहड़ी ऑर्गेनिक प्रति लोगों के विच एक उस तरह की रुचि पैदा करना वो बेनीफिट दसना वो काम भी यूनिवर्सिटी करेगी ता कि जिहड़ा एक साडा उपराला लोगों की हैल्थ वास्ते हैल्थ प्रति उन्होंने एजुकेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रति एजुकेशन तो ओवरऑल उस तरह का एक व्यू असी दे सकी। तो अज का मकसद यही सी कि असी वो जिहड़े दोनों एमओयू साइन करे है ता कि उहदे नाल असी उस तरह की कंपनी के नाल मिल के कोई साढ़े लोगों वास्ते जां साढ़े फार्मर्स के वास्ते उदा का उपराला अगर यूनिवर्सिटी भी इनीशिएट कर सके कंपनी
फैशन फॉर बायोडाइवर्सिटी जर्मनी, फैशन फॉर बायोडाइवर्सिटी ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ PTU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਅਗਨਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਆਲ 'ਤੇ ਕਰੋ।